बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। मैं ईद आ रही है, अब ईद के करीब करीब मेरी कोशिश है कि कोई आपको मीठे बना के दिखाए जाएं और आपके साथ मीठे बनाए जाएं। तो आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज शिफॉन केक बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये मैंने मैदा लिया है 2 कप और 1/4 हिस्सा, 1/4 कप, और शुगर मैंने ली है 1 कप और साथ 1/4 हिस्सा कप का। ये कोई 2 टेबलस्पून ऑरेंज की जेस्ट है। ये शुगर है जो मैंने बाद में यूज़ करनी है एग वाइट में। इसमें साथ मैंने क्रीम ऑफ टार्टर यूज़ करना है आधी टीस्पून, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप टार्टरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1/4 हिस्सा कप का शुगर है, ये 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, ये 3/4 कप ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस, 1/2 कप ऑयल है, और ये 6 अंडे हैं जो सफ़ेदी अलहदा कर लिया मैंने और जर्दी अलहदा कर ली है। तो आप चलें शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। ये फ्लावर है, फ्लावर में मैं डालती हूँ ये 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, और ये 1 कप और 1/4 कप ये शुगर है, और ये ऑरेंज के जेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डालते हैं ये 3/4 कप ऑरेंज जूस, ये 1/2 कप ऑयल, और ये 6 अंडों की जर्दी। तो इसको हम अब मिक्स करते हैं सारा। इसको मिक्स करते हैं। इसको ना मैं कवर कर लेती हूँ ताकि इस स्प्लैश ना हो। पहले इसको मैं खोल लूँ ना, इसको कवर करते हैं पहले। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्मूथ बैटर बन गया, सारा कुछ मिक्स हो गया। तो अब मैं वो एग वाइट को करती हूँ जी। ये मेरी अंडों की सफेदी है, इसको अब मैं बीट करती हूँ।
ये थोड़ा सा फोम आ गया इस पर, तो अब इसमें मैं ये 1/4 कप शुगर और क्रीम ऑफ टार्टर ये आधी टीस्पून है, आप टार्टर ही डाल सकते हैं अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर ना हो तो इसको हम। इसको इसका स्टिफ पीक करनी है, ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए, इतना इसको बीट करना है कि ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए। और इसको करेंगे, ये देखें ना, ये हो गया तकरीबन रेडी हो गया। अभी और चाहिए इसको, देखें बिल्कुल स्टिफ हो गया, देखें गिर नहीं रहा बिल्कुल, ये देखें गिर नहीं रहा, बिल्कुल स्टिफ हो गया। तो ये रेडी है अब, तो इसको अब हम बैटर में मिक्स करते हैं। इसमें अब हम इसको इसमें मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना इसको फोल्ड करना है बैटर में ऐसे, इसके थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड करना है जेंटली। और मैंने अपना ओवन प्री हीट पे कर दिया है 180 पे और 35 से 40 मिनट इसको बेक करना है, या जब तक आप उसमें वो कॉकटेल स्टिक या नाइफ डाल के देखें तो वो साफ़ आए बाहर, उसको कोई मटेरियल ना लगा हो, बिल्कुल साफ क्लीन वापस बाहर आएगा, तो इसका मतलब है कि केक बेक हो गया है। आज गर्मी हुई हुई है, इसको बस ऐसे जेंटल नरम हाथों से बस इसको ना फोल्ड करना है अंदर। ये देखें कितना फ्लफी, ये फ्लफी हो रहा है, इसे इतना ही ज़्यादा ये नरम और बनता है केक, जितना ये इसको एग वाइट को जितना ज़्यादा इसको करें ना तो वो करना चाहिए था उसमें, नेवर माइंड।
आप बैटर को भी सफ़ेदी में आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स कर सकते हैं। मैंने सफ़ेदी को इसमें डाला है, या मेरा बर्तन छोटा हो गया, बैटर ज़्यादा है। मैं करती हूँ इसमें डालती हूँ, बाहर हो रहा है, ये आ रहा है इसमें कैमरे में, इसमें डाल के तो इसको ये मेरा मिक्स हो गया सारा। तो अब मैं इसको पोर करती हूँ अपने केक टिन को, मैंने ग्रीस कर दिया हुआ केक टिन को। ये मेरा केक टिन है, ये केक टिन है मेरा, तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, तो इसमें मैं ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे दो केक बन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा है, इसको ऊपर से बिल्कुल फूल नहीं करना होता क्योंकि इसमें फूलना भी होता है। ये इतना बड़ा है, इससे मैं एक और केक बना लूँगी। तो इसको साफ कर दें ज़रा, टिश्यू लूँ मैं हाथ साफ करने के लिए। इसको थोड़ा सा कर लें ताकि ये जो बबल्स हैं, थोड़ा सा शेक कर लें तो बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो अंदर बबल्स हों। तो अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ 35 से 40 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छी तरह पक जाएगा, फिर मैं आपको बता दूँगी फाइनल टाइम। ये मेरा केक रेडी हो गया है, ये तो जल्दी हो निकाल लिया था क्योंकि ये छोटा टिन था, तो ये जल्दी बेक हो गया था, तो ये इसको 35 मिनट लगे हैं। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक निकल आया इसका रिज़ल्ट। तो अब इसको मैंने वाइट स्टैंड पे रख दिया इनको ये ठंडा करने के लिए, और फिर इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा वाइट स्टैंड पे रखे थे, अब ये ठंडे हो गए हैं, तो इसको मैंने ड्रिजल कर लिया। ये कोई 3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस था, इसमें मैंने 6 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाली है, और इसको मिक्स कर लिया, तो इसका ड्रिजल बना लिया। तो ये बस इसके ऊपर बस ड्रिजल कर देंगे। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि जिनके घर ओवन ना हो वो कैसे बनाएं केक, तो वो ये करें कि वो एक देचका रख लें बेकिंग के लिए, तो कुकिंग सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, नमक नीचे बिछा लें देचके के एक पैकेट, उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं वो बेकिंग के लिए, नमक को उसको ज़ाया नहीं करें। और देचके में नमक डाल के उसको अच्छी तरह गर्म कर लें, और फिर उसमें वाइट स्टैंड रख के, तो ये अपना केक का टिन जो है वो उसके ऊपर रख दें, और फिर उसको स्लो हीट पे आप बेक करें जब तक वो रेडी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं उसमें नाइफ डाल के कि केक बेक हो गया है। तो ये हमारा केक रेडी है, मैं आपको काट के भी अभी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्पंजी बना है। नाइस स्पंज है, ये देखें स्पंज है, बिल्कुल स्पंजी बना है, बड़ा नाइस। तो आप भी बनाइएगा ईद पे आप भी बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो अल्लाह हाफिज़।